गाड़ी में रोमांस शुरू हुआ और उसी गाड़ी में पहली बार हम लोगों ने प्यार का इजहार किया था। आपको बता दें कि सुनीता गोविंदा के मामा की पत्नी यानी उनकी मामी की बहन थी। गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को शादी की थी। उस वक्त गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता 18 साल की थी। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा संग पहली मुलाकात को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत को लेकर भी बात की है। उन्होंने इस दौरान बताया कि सुनीता ने किस तरह से उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के चैलेंज करने पर इम्प्रेशन करने के लिए पहला कदम उठाया था। उन्होंने बताया कि सुनीता को 1 साल से ज़्यादा वक्त लगा था उन्हें इम्प्रेशन करने में। एक्ट्रेस ने अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया और बताया कि वो उसके साथ रिश्ते में आने से डरते थे क्योंकि वो उस वक्त महज 15 साल की थी। गोविंदा ने आगे बताया कि कैसे उन दोनों ने एक फिल्म की मुहूर्त में एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर दिया था और कैसे वो हमेशा शादियाँ और कई इवेंट में ऐसा करते थे। उन्होंने पहली मुलाकात को लेकर कहा कि एक फंक्शन में साथ जाने के बाद पहली बार जब उन्होंने हाथ मिलाया था तो गोविंदा ने कहा कि हम गाड़ी में थे और इनका हाथ मेरे हाथ पर टच हो गया। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये हाथ हटा ही नहीं रहे। फिर इसने पकड़ लिया हाथ। मैंने कहा हाय, अब इसका हाथ में छुड़वा तो बहुत अजीब लगेगा। मैंने सोचा पंजाबी आदमी हाथ पकड़ लिया तो चलो पकड़ ही लेते हैं। इस बीच सुनीता ने कहा यह पहली बार था जब हमने एक दूसरे को छुआ था। गाड़ी में रोमांस शुरू हुआ और उसी गाड़ी में पहली बार हम लोगों ने प्यार की इजहार किया था। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को शादी की थी। उस वक्त गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता 18 साल की थी। गोविंदा और सुनीता की दो बच्चे हैं जिसमें एक बेटा का नाम यशवर्धन आहूजा और बेटी का नाम है टीना आहूजा।